मैं शेख आपका आपका अपना की. मुँद वाले। मुँद वाले। वीकली टू जून कैसा गुजरेगा ये हफ्ता, हफ्ता इब्तदा है आपके एक लंबे सफर की आपके इम्तहान की जो है इसको मैं आगाज कहूंगा और दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि ये इम्तहान आपके लिए बड़ा ही मुनासिब साबित मुनासिबित है शख्सियत और फाइनेंस ये दो चीज़ों के ऊपर आपका फोकस जो है अब इस वीक से स्टार्ट हो जाएगा दूसरी तरफ खानगी मामला बड़े अच्छी खिदत में जो है वो रवा दवा होंगे और लेकिन कुछ इन्वॉलमेंट भी नज़र आती है आपके बड़े भाइयों की फैमिली के टर्म्स के इस हवाले से आ, लव लाइफ के ऊपर बच्चों के ऊपर और सीखने सिखाने के ऊपर आपका पूरा फोकस रहेगा अज्दवाजी मामला इस हफ्ते के एंड पे जो है ये आपके लिए एक अलार्मी सिचुएशन जो है वो बना सकते हैं सो इन चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे तमाम प्लैनेट्स को भी तमाम घरों को भी डिस्कस करता हूँ जाऊँगा और उसके साथ साथ प्लैनेट्स भी जैसे कि आपका मेरा तारफ़ एक एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ एक जेम थेरापिस्ट का भी है तो सबसे पहले आज की वीडियो में मैं आपको जो है वो जेम थेरापी बताने लगाऊँ अपने हाथ में एक ब्लू सफायर वेयर करें अगर आप ब्लू सफायर वेयर नहीं कर सकते किसी भी वजह से तो आप लेपिस वेयर कर लें जिसको कि हम लाजवर्द भी कहते हैं अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप हेमा वेयर कर लें लेकिन इन तीनों में से कोई ना कोई स्टोन जरूर वेयर करें चूंकि जब रेट्रोग्रेड हो रहा है आपके खाना माल में तो ये आपके मालियाती निज़ाम को आ, कुछ रिवर्स गेयर की तरफ जो है वो ले जाएगा चैलेंज आपके लिए आ जाएंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो शेक होता है और जैसे आ, मैंने पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में कह चुका हूँ ये बात कि पांच रुकम इस्लाम देते छिया टुक जे ना छा होवे पंजे जावन मुक जिस स्पीड से आप तो देख रहे हैं कि माशरे में एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं महंगाई बढ़ रही है उस स्पीड से जो है वो अर्निंग अगर नहीं आएगी तो आप माली बहरान का शिकार हो सकते हैं यही पोजीशन इस वक्त यहाँ पे नज़र आ रही है और ये जो पोजीशन है ये तकरीबन अगले पौने चार महीने 140 दिन की ये रेट्रोग्रेशन है आपके तल्लुकात भी कंप्रोमाइज़ होंगे वरासती मामला और आपके इस्पाउस की हेल्थ भी यहाँ पे जो है वो चैलेंज हो सकती है इसी तरह आपकी अपनी हेल्थ में भी कुछ प्रॉब्लम्स कुछ हर्डल्स आपके आ सकते हैं बनते बनते काम अब आपके जो है आहिस्ता आहस्ता आप देखेंगे शायद रिवर्स की तरफ आ गए सो अपने हाथ में ये ज़रूर पहनी ताकि आपकी मुश्किल जो हैं वो आपके लिए मुश्किल पैदा ना करें और इसके साथ साथ कहूँगा कि आठ ग्राम काले माश का सदका हर हफ़्ते देना अपना मामूल बनाइए काला कपड़ा भी दे सकते हैं काली मुर्गी दे सकते हैं कोई भी काली चीज़ किसी डिजर्विंग पर्सन को दें ये सबसे बेहतर है अगर कोई नहीं मिलता तो फिर जानवरों या परिंदों को जो है वो आप डाल सकते हैं बेहतरीन जमस्टोन के लिए आप हमारी वेबसाइट जावा जम डॉट कॉम यूज़ कर सकते हैं आ, नीचे कमेंट सेक्शन में भी नहीं है सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा या आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं तीसरे घर का हाकिम आपका जाहिर चाहिए चौथे घर में जो ये बताता है कि अब आपकी जो कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं उसमें बेटरमेंट तो आएगी लेकिन थोड़ी सी आपको स्ट्रगल अपनी का अंदाज़ बदलना पड़ेगा और आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही बट अब वो आपके खानगी मामला तक भी जो है वो इंटरफेयर करती नजर आती इसी तरह आपके जो बड़े भाई हैं वो भी आपके मामला में इंटरफेयर कर सकते हैं अपने घर को माहौल को नीट एंड क्लीन रखिए कोशिश कीजिए कोई बैरूनी मुदाखलत ना हो और स्पेशली आपके गिरदा में आपकी जो हम है उनके साथ भी अपना रिलेशनशिप बैलेंस रख के चलाने की कोशिश कीजिएगा बेसिक एजुकेशन हासिल करने वाले बच्चों के लिए हालात कुछ मिले जुले रहेंगे और जो एजुकेशन ले रहे हैं स्केल बारह से चौदह के उनके लिहाज बहुत ही ज़बरदस्त रहते हुए नज़र आते हैं इसी तरह आपके जो अगर आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं या हायर एजुकेशन या आप कोई रूहानी जो है वो आलूम हासिल कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत कम्फर्ट सिचुएशन जो है वो इन शाला मिल सकेगी चौथे घर का हाकिम मास यहाँ पर बड़ा स्ट्रॉग मौजूद है ये बताता है कि आप घर सवारी प्रॉपर्टी की खरीदो फ़रोख्त स्पेशली मैं कहूँगा लैंड के हवाले से आप काफ़ी गुड लक साबित होंगे और आपकी खुशबकी आपका भरपूर साथ देगी और इसमें आपका कोई दोस्त भी जो है वो आपके लिए भरपूर मददगार साबित हो सकता है यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि आप अगर पहले से ये सारी निमतें परवरदिगार ने आपको दी हुई हैं तो पहले से कुछ बेहतर के हवाले से आप जो है वो करेंगे और इस वक्त घर वगैरह की शिफ्टिंग या प्रॉपर्टी की परचेज़ करना इस वक्त आपके लिए बड़ा ही सूदमंद इंशाल्लाह साबित होगा आपके पांचवें घर में वीनस मौजूद है पांचवें घर का हाकिम होते हुए आपकी लव लाइफ़ में बहुत ज़बरदस्त और पॉजिटिव चेंजिंग जो हैं वो मतों को हैं इसी तरह आपकी मंगनी तय पाने के इमकान भी बहुत रोशन है और अगर आप आप ऑलरेडी इंगेज हैं तो आपके फ्यंसी के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो भी बेहतर होती चली जाएगी इसके साथ साथ अगर आप औलाद की ख्वाहिश रखते हैं तो परवरदिगार के फजल से आपको औलाद की खुशखबरी जो है वो भी मिल सकती है वीनस और मरकी जब पाँचवें घर में आते हैं ये नॉलेज गेन करवाते हैं आपको डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज हिस्ट्री आर्ट गैलरी फन लतीफ़ा और ऐसी तमाम चीज़ें जो इसमें इंटरटेनमेंट भी है और नॉलेज भी है दोनों आप जो है वो हासिल कर सकेंगे कोई आ, ब, कुछ फैमिली के साथ जो है आ, कुछ घूमने फिरने का प्लान भी इस हफ्ते में आपका जो है वो कुछ फाइनलाइज होता हुआ नज़र आता है अल्लाह करे कि ऐसा हो बच्चों की तरफ से आप काफ़ी कंफर्ट नज़र आते हैं इनामी स्कीम में पार्टिसिपेशन करना भी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इन साबित होगा छठे घर में सन सन छठे घर में आठवें घर का हाकम होते हुए आया है तो आपकी सेहत में जो है पहले की नस्बत कदर बेहतरी आएगी आप बाय आए फोर्स अपनी एनिमीज़ को डिफीट करते हुए नजर आते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना अच्छा होगा बट राइट नाउ अगर आप ये कहें कि आपको फ़ौरन से गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अप्लाई करने में कोई हर्च भी नहीं है एक अच्छा और जिसको कहते हैं ड्यूटीफुल एम्प्लॉय आपको मिल सकता है जिससे आप अपने मामला को आगे ले जाएंगे और जहनी दबाव में आपकी जो है कमी जो है वाक्य हो सकती है लोन वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ मुनासिब वक्त आपको ये मिल रहा है सातवें घर का रिलेशनशिप से मुतलिक है मून है बड़ा अच्छा प्लानट है आ, तकरीबन सारा याफ्ता बहुत अच्छी कंडीशन में रहेगा बट आ, एट ऑफ एंड ऑफ द वीक जो है अलेवन जून को ये आपके जाए चुके ग्यारहवें घर में जाके जो है डेबिलिट हो जाएगा ना चाहते हुए भी ख्वाहिश के अगेंस्ट कुछ रिलेशनशिप में कुछ जो है फ़्लक्चुएशन आ सकती है आपके स्पाउस या वर्किंग पार्टनर की वजह से आपके किसी दोस्त के साथ जो है आ, कुछ अख्तलाफात आ सकते हैं या आपकी ख्वाहिश की तकमील में कोई रुकावट जो है वो पैदा हो सकती है दो किलो चावल आटा या दूध का सदका दे के आप इस मामले को जो है वो अपने लिए बेहतर बना सकते हैं आपके बारहवें घर का हाकिम भी आपके जायचे के चौथे घर में मौजूद है जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम हमारे दोस्त सहबाब हैं है, उनसे मैं कहूँगा कि आपके लिए जगह तब्दील करना इस वक्त बेहतर नहीं है फ़ॉरन रहते हुए अलबत् अगर आप पाकिस्तान में मुकम हैं तो फिर आपके लिए जगह की तब्दीली जो है वो कदर मुमकिन होगी इसी तरह ट्रैवल में आपको जो है कुछ हर्डल्स फेस करनी पड़ सकती हैं फैमिली के साथ डिस्प्यूट हो सकता है इसलिए बेहतर होगा कि अभी आप वहीं पे काम करें जहां भी हैं वहीं पे रुकना इस वक्त जो है वो आपके लिए बेहतर होगा आ, बिल्कुल एंड पे आपसे गुजारिश करूंगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा और इस वीडियो के बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा मुस्तफीद हो तो मुझे दुआओं में जरूर याद कीजिएगा इजाज़ा चाहूँगा अल्लाफ